चले आज पॉलिटी थोड़ा शुरू करेंगे, पीडीएफ उसको दे दीजिए थोड़ा। मैंने पीडीएफ एक भेजा था ना आप लोग को, 1 to 18 वाला। चलिए एक बार ओपन कर लीजिए, कुछ है उसको तब तक वो दे देंगे आप लोग, तब तक ओपन कर लीजिए। 1 to 7 था, 1 to 18 था सर ना, 1 से 8। ठीक है, मजा आएगा। ठीक है, इधर देख लीजिए पहले, तब तक सभी लोग यहाँ देख लीजिए, पूरा पॉलिटी कवर करेंगे हम लोग आराम से। इधर देख लो आप, इधर जो भी पीडीएफ है ठीक है नहीं है देख लो आराम से, शुरू करेंगे। देखो कम टाइम में ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, गर्मी भी ज़्यादा है इसलिए कोशिश करेंगे कि नॉर्मली अभी 3-4-5 दिन जो है थोड़ा हम लोग कम टाइम में ज़्यादा कवर करें, ज़्यादा टाइम एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि 5 से 5:30 के बीच तक क्लास एंड हो जाए, ठीक है ना, अभी 2-3-4 दिन, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, मेरी भी थोड़ी तकलीफें बढ़ गई हैं, लेकिन इसको करेंगे थोड़ा बट उससे मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कम टाइम पे, हाँ कम टाइम पे ज़्यादा कवर कर लेंगे वो ज़्यादा फायदा है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पहले पॉलिटी को डिज़ाइन कैसे करना है, पहले हम कवर कैसे करेंगे, ये पहले तरीका अपना लेते हैं। टोटल 9 थीम है, अपने अपना एक नोटबुक निकाल के रख लीजिएगा, कॉपी निकाल के रख लीजिएगा और फ्रेश पेज एक पॉलिटी के लिए रखिएगा अपने पास, ठीक है, नोटबुक एक फ्रेश अपने पास रखिए पॉलिटी के लिए। तो निकाल लिए सभी लोग, और प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ पे अटेंशन, कम टाइम में ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, ये थोड़ा ख्याल रखिएगा, इसलिए अपना अलर्टनेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के रखिएगा। मैं भी थोड़ा ख्याल रखूँगा इस बात का कि ज़्यादा जोक्स ना हो, कम हो, और चीज़ों को कम टाइम में हम ज़्यादा कवर करें, ठीक है, कोशिश करेंगे। बाकी जहाँ है जितना मन है वो तो देखेंगे। टोटल पॉलिटी को जितना भी पॉलिटी है, मैं चुका हूँ इस पॉलिटी के बाद उस फर्स्ट पेज पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी होंगी, उसमें मैंने लिखा है प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तक, वो तीनों का हिस्सा है, उसमें कोई तकलीफ आपको नहीं हो। दूसरी बात, पूरा का पूरा कवर करने का तरीका पहले जान लेंगे, टोटल 9 थीम होगा उसमें, 9 थीम है, 9 थीम को पूरा का पूरा पार्ट कवर करेंगे। जब भी कभी किताब आप देखते हो तो किताब के बल्कने से मत डरिए, इतना मोटा किताब पढ़ना है। जनरली हम लोग मोटा किताब देख के थोड़ा सा पहले थोड़ा सा हेजिटेट करते ही ना चाहते हुए भी, 9 थीम है, 9 थीम को आराम से कवर करेंगे। और पहला थीम जरा देखे बताइए तो क्या है, बेसिक्स एंड इम्पॉर्टेंट, जो भी है आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड टर्म्स होगा, ठीक है। तो पहला थीम 1, और याद रखिएगा पढ़ते समय, तो थीम 1, थीम 2, थीम 3, टोटल 9 थीम है। पहला हो गया बेसिक्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉलिटी टर्म्स, दूसरा में क्या है बताइए जरा, प्रियम्बल होगा, और क्या होगा, डीपीएसपी है, टेरिटरी एंड सिटीजनशिप होगा। तो एक प्रियम्बल हो गया, टेरिटरी हो गया और सिटीजनशिप हो गया, सुन पा रहे, अच्छा वापस एक मिनट तब तक दे दीजिए, अपने से यहाँ आगे पतला वाला दे दीजिए तब तक। हर बेंच पे एक एक दे दीजिए अभी, और जो अभी निकाले ना 1 to 18 तक, आजिए 1 to 18 तक। हर बेंच, हाँ 15 या जो भी है एक एक दे दी जाइए हर बेंच पे, बस जल्दी थोड़ा सा, ठीक है, हाँ आगे दे दीजिए। आराम से उसको संभाल के रखिए, हाँ 1 अभी रखिएगा अभी फिलहाल उसको, 1 to 18 तक ही देखिए उसमें। इससे एक हो गया, एक बार एक और वहाँ आपके पास है, आप लिखे हो, लिखे हो ना, चलो देख लो इधर 1 to 18 का निकाल दिए, तब तक 1 to 18 2 या 3 साल, देखिए
पहले थीम वन थीम टू अगर जिसके पास अभी नहीं है पीडीएफ से शेयर कर लीजिएगा, फिर बाकी मिलेगा। थीम वन थीम टू आपके पास 9 तक है टोटल थीम। पहला थीम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, थीम टू में आपको क्या है, थीम टू में टेरिटरी हो गया, प्रियम्बल हो गया, सिटीजनशिप हो गया, और थीम थ्री में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएससी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब हो गया। तो टोटल ऐसे ही करते करते पूरा का पूरा 9 थीम में हम पूरा पॉलिटी को कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास है, आराम से समझते जाए। पॉलिटी को समझने से पहले 2-3 बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि जितना भी हम लोग थीम है, देखो अगर आपके पास एक कैटेगरी और एक पता ना हो कि कवर कैसे करना है, तब तक नहीं समझ में आएगा। किताब इतना मोटा होता जाएगा, लक्ष्मीकांत इतनी मतलब ठीक होती जाएगी और आपको समझ में आएगा नहीं। तो पहले उसमें 9 थीम के बाद अभी एक पेज निकालिए और क्विक जल्दी से वो 9 थीम को बस खाली लिखते जाइए, बस एक बार सिर्फ लिखिए क्विक, 1-2 मिनट के अंदर 9 थीम जो है। पेज नंबर 1 होगा या 2 होगा, 1 पे जो थीम 9 लिखा हुआ है ना, एज इट इज आप एक बार बस उतारिए सिर्फ, मैं आपके जहन में सिर्फ एक बार डालना चाहता हूँ, एज इट इज थीम 1 लिखते जाइए, क्विक थोड़ा करिएगा, निकाल लीजिए एक बार, क्या क्या 1-9 हाँ जल्दी से। पॉलिटी का पीडीएफ क्या होगा ऊपर ऊपर जल्दी से एक दे दीजिए यहाँ पे। थीम 1 से थीम 9 तक क्विक लिखते जाइए। हो गया, लिख लिए होंगे। हो गया होगा। अब देखिए आराम से 9 थीम में पूरा का पूरा पॉलिटी कवर अप होगा। पहले सबसे फर्स्ट कुछ चीज़ें समझ लीजिए आप, जो यूपीएससी का थोड़ा ट्रेंड है। देखिए जनरली मैंने बार बार बोला है कि अगर यूपीएससी का अगर आप तैयारी करते हैं बीपीएससी का, तो स्पेशली उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम्स आप दोगे तो ऐसे निकल जाएगा यूँ, वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है।
कि बड़े छाते के नीचे छोटा छाता ऑटोमेटिक कवर हो ही जाता है। सुन पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आज बताएंगे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो थोड़ा सा। पॉलिटी में टोटल 9 के बाद, अब पहली बात ये समझ लीजिए, अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ तो पॉलिटी का दो तरीका है। एक है, एक ऐसा पॉलिटी होता है जो ग्रुप डी और इन सब एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो वन लाइनर आप लोग बोलते हैं कि कब हुआ था, है ना, और क्यों नहीं पूछा जाएगा कब हुआ था, कहाँ हुआ था, जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि भीमराव अम्बेडकर बोले थे, और कौन बोला था, तो कब कहाँ और कौन। ये जनरली एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है जो छोटे से एग्ज़ाम जीते सारे ग्रुप डी एसएससी यहाँ तक ही सीमित है। तो जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि सर कब कहा, इसलिए जब जनरल कॉम्पिटिशन के बच्चों से आप मिलिएगा तो ये नहीं पूछेगा, वो सीधा पूछेगा इब्राहिम लोदी का जन्म कहाँ भे रहे, अच्छा ये पूछेगा, आप उसको बताना चाह रहे हो कि इब्राहिम लोदी क्यों कैसे क्या, नहीं उसको मतलब नहीं है, मतलब क्या है कहाँ हुआ था और कब हुआ था और कौन किया था, तो वो पूरा का डिटेल बता देगा। तो सर हमें फैक्चुअल यूपीएससी कभी पूछेगे नहीं, ना ही फैक्चुअल हमें बहुत चाहिए। अच्छा दूसरा एक और भी है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में चाहिए, ऐसा भी स्थिति नहीं है, मतलब पीएचडी लेवल का, कि इतना चाहिए कि खंगाल दिए हैं पूरा, समझ में आ रही बात, कि पीएचडी लेवल तक करके एकदम बैठे हुए हैं, इनको बाबा महाराज और सब कुछ का इनको मिल चुका है। तो ना हमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हमें पीएचडी लेवल का चाहिए, हमें बेसिक चाहिए जो बीच तक का हो रास्ता, यही यूपीएससी है। तो मान लीजिए कॉन्सेप्चुअल है, तो ना बहुत ज़्यादा इतना कॉन्सेप्ट मत पढ़ लीजिए कि पीएचडी लेवल तक का हो जाए, और इतना कम भी मत रखिए कि इल्तुतमिश और बाबर आजम तक सीमित रहें, क्योंकि इससे काम नहीं बनने वाला है। तो यूपीएससी समथिंग यहाँ पे है, तो दोनों को मिक्सअप करके अपन पढ़ेंगे और उसके बाद कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बता दूँ सोर्स आपके लिए यूपीएससी के एग्जाम तक का दो ही है, जो मैं पढ़ाऊंगा मेरे नोट्स आपको सेल्फ सफिशियंट है, लक्ष्मीकांत का कुछ सेल्फ रीडिंग कर इतना बोलूंगा उतना आपको सिर्फ करना है, सुन पा रहे, इसके अलावा आपको दूसरा दिमाग नहीं लगाना है। डीडी बासु, कोई एमपी जैन, ये सब लेके नहीं आइएगा, लेके आइएगा मैं डांट दूंगा, पहली बात बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो जरूरत नहीं है। तो मैं जब बोलूँ कि इतना है तो उतना ही करिए, ये उसके बाद ये मत पूछिए कि सर अभी करें क्या कि इसको छोड़ दें, सिंपल एज दैट, ये बोला उतना करिए और एग्जाम्स में क्वेश्चंस कन्वर्ट होंगे, बाय गॉड एकदम दिमाग में रखिएगा। तो फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल की बात अलग। अब दूसरा, टोटल कितने थीम हो गए, 9। हम लोग थीम 1 से शुरू करेंगे और आपको उस पेज पर नोट्स में देखिए, पेज नंबर 2 पे कुछ वहाँ समथिंग इसी प्रकार का डायग्राम बनाया होगा, जहाँ पे यूपीएससी लिखा होगा बीच में और राइट साइड में आपको दिख पा रहा है। तो अब उस लाइन का मीनिंग समझ में आपको स्वतः आ जाएगा, सुन पा रहे, आगे ये नेक्स्ट। अब उसके बाद पेज नंबर 2 पे मिल गया, जोर से बोले यस और नो। अब थोड़ा आगे यहाँ से समझना, मैं आपको बता रहा हूँ इतना मजा आएगा कि पॉलिटी के कोई क्वेश्चंस कहीं से भी आए लपेटे में, आईएएस का बार बार बोला हूँ मैं, क्वेश्चंस आईएएस क्वेश्चंस आप बना पाएंगे गारंटी एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शर्त यह है जो बोला है उतना करिए, याद रखिएगा बार बार, एग्जाम्स निकालने का एक ही तरीका है, लगाम जरूरी है। ज़्यादा नॉलेज होना एग्जाम्स क्वालिफाई कभी नहीं कराएगा, आप पारंगत हो सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, मे बी आपका आईक्यू हाई हो सकता है, एग्जाम्स निकले, इसलिए कभी कभी सीधे साधे लोग एग्जाम निकाल लेते हैं, क्योंकि वो अपने काम से बस उतना ही मतलब रखते हैं जितना उनको जरूरत है, इसीलिए कुछ टीचर्स पढ़ाते हुए भी एग्जाम्स नहीं निकाल पाते हैं जबकि स्टूडेंट एग्जाम निकाल लेता है, सुन पा रहे हैं। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए, लगाम जरूरी है। नेक्स्ट, अब पहली बात 9 थीम में कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात यह आता है कि पॉलिटी क्या है, थोड़ा उसको समझना जरूरी है। अपन पहले से शुरू करते हैं, एक आदत है, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 नीचे से पढ़ना शुरू कर दिए, टीचर भी बोलते हैं चलो चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस है, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम बिलो, अच्छा ऊपर नीचे से पढ़ने लगता है, टीचर्स ने भी नहीं बताया कि पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है, नहीं उससे कोई माने मतलब नहीं है, बस एक ही मतलब है जो आंसर लिखवाए हैं एसएसटी में 10th में वही छाप के आना, अगर वैसा आंसर नहीं लिख के आओ नंबर नहीं मिलेगा, बात खत्म है, दूसरा कोई लॉजिक नहीं चलता है इधर। अच्छा थोड़ा भी आपने इधर उधर अपने से दिमाग लगाया, टीचर बोलेगी ज़रा दिमाग ना लगाए करें आप, नंबर कट जाएगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, पहले यहाँ अलग है, पॉलिटी अलग होता है, पॉलिटिकल साइंस अलग होता है, एंड एक वर्ड आएगा गवर्नेंस। अभी सुनना ध्यान से, हिंदी में भी उस नोट्स में लिखा होगा, पॉलिटी का हिंदी क्या लिखा है बताइए जरा, राजव्यवस्था, क्या लिखा है? तो हिंदी माध्यम परेशान नहीं हो, क्योंकि सिर्फ हिंदी माध्यम, याद रखिएगा एक बात, भले कितना भी मैं ऑनेस्टली आपको बात एक बता रहा हूँ, जो भी हिंदी माध्यम के हैं, एक बात आप इस बात को मान के चलिए, और मैं कभी भी झूठा नहीं बोल सकता, आपको एज इट इज़ कम से कम इतना इंग्लिश आना चाहिए एज एन ऑफिसर कि आप समझ सकें और किसी को जवाब दे सकें। एक ऑफिसर की वो क्वालिटी है, इसलिए इंग्लिश आपको इसलिए नहीं चाहिए कि जॉब चाहिए, इसलिए चाहिए बिकॉज अरे आप आईएएस बन के कोई आया इंग्लिश में बोल दिया, आप बोलोगे हिंदी में बोल भाई, आ रहा समझ में? अब ये जो आप समझ रहे हो क्या बेइज्जती होगी,
बेइज्जती आपकी नहीं होगी, बेइज्जती पूरे सिस्टम की होगी। क्या हायर किया है? आप डिफेंस जाते हैं तो डिफेंस में इतना अच्छा लगता है आपको, आप आईएएस ऑफिसर से मिलते हैं तो इतना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उस लेवल तक है। अच्छा, अगर वो उस लेवल तक ना हो तो आप तो सीधा क्वेश्चन मार्क सिस्टम पे करोगे कि यार सिस्टम कैसे उसको सेलेक्ट कर लिया, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद सोचो ना, आप भी तो बनने वाले हो, तो आपको भी लोग यही बोलेंगे कि गधा कहाँ से आ गया, गलती से जरूर कुछ आया होगा घुस दे के। बट हाँ, आगे प्लीज समझिएगा, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस एंड देन उसके बाद गवर्नेंस। अब सर साइंस आ रहा है, एक बात याद रखिए, हिंदी में साइंस को क्या बोलते हैं? अब ज़्यादातर लोग को साइंस का एक ही मीनिंग पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या तो PCM या PCB, इसके अलावा दूर तक आदमी जाता नहीं है। तो देखिए इधर, विज्ञान को तोड़ोगे तो विज्ञान इज इक्वल टू होगा विशेष ज्ञान, मतलब साइंस इज द नॉलेज ऑफ ए स्पेशल थिंग। अगर कोई भी क्रिकेट का भी नॉलेज आपके पास है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है आपके पास, तो आपको साइंस आता है। अगर आपको सैटेलाइट्स के बारे में नॉलेज है तब भी आपको साइंस आता है, आपको मैथ के बारे में आता है तब भी आपको साइंस आता है, मतलब किसी चीज का विशेष क्या ज्ञान, विशेष ज्ञान इज इक्वल टू क्या विज्ञान। याद रखो पॉलिटी क्या है, पॉलिटी एक सिस्टम है, समझिएगा ध्यान से। तो पॉलिटी एक लीगल सिस्टम है कि इलीगल सिस्टम है? मतलब अगर आपने कुछ गलत किया है, आपने मर्डर किया किसी का, तो आपको सजा मिलेगी लीगली या इलीगली? मतलब एक लीगल नियम तो है कि बेटा अगर आपने ऐसा किया तो आप यहां जाओगे। तो पॉलिटी एक सिस्टम है, और वो सिस्टम कैसा है? इलीगल। अच्छा, लीगल समझ में आ रहा है ना? लीगल मतलब बेकार। अच्छा ठीक है, तो लीगल सिस्टम मतलब एक प्रोसेस के द्वारा बनाया गया है जिसमें सभी का सर्वसम्मति है और उसमें हर किसी को मानना पड़ेगा। अब यहां आइए, जैसे ही पॉलिटिकल साइंस लग गया, मैंने क्या बोला, स्पेशल नॉलेज ऑफ एनीथिंग, उस लीगल सिस्टम का जो नॉलेज है उस नॉलेज को क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस, यानी कि नॉलेज ऑफ व्हाट? लीगल सिस्टम। अरे सिस्टम को चलाने के लिए तो नॉलेज चाहिए ना? यस और नो? हाँ है ना? ठीक, तो पॉलिटी एक सिस्टम है और सिस्टम को रन करने के लिए जो आपके पास नॉलेज है उसको क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल साइंस। क्या यहाँ तक प्रॉब्लम ठीक है? अब बहुत लोग पॉलिटी बोलते हैं, आप लक्ष्मीकांत के बुक पे देखिएगा तो पॉलिटी लिखा हुआ होगा, पॉलिटिकल साइंस वहाँ नहीं लिखा है, वहाँ क्या लिखा है? पॉलिटी। और उसके बाद मैंने बोला गवर्नेंस, पहले बातों को समझना आराम से, बोर तो नहीं हो रहे, सुनना ध्यान से। गवर्नेंस मतलब क्या है? ये हो गया राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। तो पॉलिटी का हिंदी क्या था? बताओ जरा, देख के बताओ इसका हिंदी क्या है? शासन समथिंग। देखो इधर आपको लीगल सिस्टम सुनते जाना, अब यहां से मैं तेजी में जाऊंगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बस समझते जाना। पॉलिटी ये क्या है? लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम को आपने क्या किया? सबसे फर्स्ट उसको नॉलेज लिया उसके बारे में, ताकि सिस्टम को स्मूथली चला सके, उसको क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल साइंस। गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस इज द प्रॉब्लम। मतलब क्या है? एक आपको अक्सर सिस्टम चला रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम भी आएगा, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो ढूंढेगा उसको क्या बोलेंगे? गवर्नेंस। मतलब गवर्नेंस इज नथिंग बट सॉल्यूशन टू द गवर्नमेंटल प्रॉब्लम। अब आपने इनको बना दिया क्या? पीएम की सीएम, पीएम। अब आपको, आपने इनको पीएम बना दिया, इन्होंने बोला जितने भी दाढ़ी वाले हैं सबको फांसी दे दो हमको छोड़ के। तो मान लो इन्होंने कुछ भी कर दिया बेतु का काम, अब इनको जब इन्होंने बोल दिया तो जैसे ही आप दाढ़ी वाले को पकड़ने का बोला, भाई मेरी क्या है कसूर, कसूर बताओ। अब आपने क्या बोला? उसने बोला क्योंकि आपने दाढ़ी रखा है तो आपको फांसी की सजा मिलेगी। बेसिकली क्या है, गवर्नेंस जब भी आपको करेगा तो सॉल्यूशन इधर, गवर्नेंस इज व्हाट? गवर्नमेंटल प्रॉब्लम्स जो गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, या तो लॉ के थ्रू या किसी भी वजह से, तो उसका सॉल्यूशन जो देगा वो क्या हो गया? गवर्नेंस। मेरे साथ रिपीट कर लीजिएगा प्लीज, व्हाट इज पॉलिटी? लीगल सिस्टम। एक सिस्टम को चलाने के लिए जो नॉलेज है तो क्या होगा? पॉलिटिकल साइंस। प्लीज रिपीट करिएगा, पॉलिटी इज व्हाट? सिस्टम। सिस्टम को रन करने के लिए जो नॉलेज, पॉलिटिकल साइंस। एंड थर्ड इज गवर्नेंस, सॉल्यूशन देना किसी भी गवर्नमेंटल प्रॉब्लम को क्या है? गवर्नेंस है। यहां तक ठीक है? अब एक एक चीज को बारीकी से जरा समझिएगा, पेज नंबर 2 पे देखिए, ये तीनों चीज आपके लिखा हुआ होगा क्या? अब आपको उसको देख के समझ में आ रहा है कि पॉलिटी क्या है? आपके पास है? अभी आपके पास नहीं है, एक दे दीजिए उनको, जाने से पहले मुझे देख के जाइएगा, ठीक है? जोक्स, आगे नेक्स्ट। तो पॉलिटी है, उसके बाद क्या है? अब जरा देखिए पेज नंबर 2, पॉलिटी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद क्या है? गवर्नेंस। तो क्या ये तीनों का मीनिंग क्लियर है आपको? अब उसके बाद जरा नीचे आइएगा,
आपको एक चीज और दिखेगा, क्या थीम दिख रहा है? मतलब कि जो थीम वन है उस थीम वन के अंदर आखिर आप क्या क्या पढ़ोगे उसका कुछ लिखा होगा। क्या लिखा है? पहला ऑरिजिन ऑफ लॉ। आखिर अब हम बार बार कानून कानून बोलते रहते हैं, आप लोग सब सुन रहे हो ना? लाइन कटने से पहले हमें खत्म करना है, आ रहा समझ में? ताकि एकदम क्विकली समझ पाए। तो मैंने क्या बोला है, ओरिजिन ऑफ लॉ मतलब लॉ की उत्पत्ति। अब लॉ बार बार बोलते रहे कानून कानून कानून, लेकिन कानून आया कहां से, कैसे हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अब इसको समझने के लिए आपको दो तीन बातें समझना पड़ेगा। पहले एक बार थीम पढ़ते जाओ जरा, क्यों क्या क्या है ओरिजिन ऑफ लॉ, के बाद दूसरा बोलो क्या है रूल ऑफ लॉ, उसके बाद तीन टर्म होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद नेक्स्ट क्या है बताइए, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, अच्छा फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन स्टेट ऐसा है उसमें, उसके बाद आपको होगा, और लास्ट में, और एक होगा फोर गोल्डन रूल्स ऑफ पॉलिटी। सुना ध्यान से, ये चारों जो गोल्डन रूल है ये पूरे पॉलिटी तक काम आएगा, इसीलिए आपको एक एक शब्दों का एक एक चीज का पूरा पोस्टमार्टम करके रखना है, याद रखिएगा। पोस्टमार्टम क्यों बोला मैंने आपको, सर कोई भी एग्जाम्स की तैयारी उस कदर करनी चाहिए जैसे कोई इंसान है जो आईसीयू में भर्ती है, उसका सेकेंड्स और मिनट का भी हर कुछ लेवल वो क्या है मेजरमेंट होता रहता है। आप हर क्वेश्चन को वैसे ही समझ के करिएगा तभी ये जरूरी है, अदरवाइज मजे मजे में सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो पहली बात हम शुरू करेंगे फर्स्ट, दैट इज ओरिजिन ऑफ लॉ। तो ओरिजिन ऑफ लॉ का मीनिंग क्या है, लॉ की उत्पत्ति। आखिर लॉ भैया आया क्या, ये कानून 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 जो है ये कानून का घर है, ऐसा है तुम्हारा घर नहीं है। तो ओरिजिन ऑफ लॉ जो है ये कैसे आया समझिए, इधर मेरी तरफ समझिएगा बस ध्यान से। मान लीजिए मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक बार थोड़ा क्विक करता हूँ। आपने क्या किया सर, पैसे आपके पास आ गए, आपने अमेजन पे गया और वहां पे ऑर्डर कर लिया, आपने अब कुछ भी ऑर्डर कर लिया, लेट से आपने क्या कर लिया फोन ऑर्डर कर लिया, आजकल फोन ही का क्रेज चल रहा है, आपने वन प्लस नहीं आईफोन कर लिया कर्जा लेके किडनी बेच के, मतलब बैचलर लाइफ में रखना समझ रहे हो सर। कोई अगर बैचलर लाइफ में रख रहा है तो उसके पीछे रीजन ही है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, नहीं तो अधिकतर लोग तो बैचलर लाइफ में नहीं रख पाएंगे, कहाँ से रख पाएंगे सर। मान लो रख लिए, अब देखना इधर, ये आपको अमेजोन पे आपने क्या किया, अमेजोन से आपने मंगाया मोबाइल, क्या मंगाया, अच्छा ये मान लो आप हो सी, सी मतलब यहाँ कंज्यूमर है सी मतलब कुछ और ना समझे आप लोग चलिए आगे नहीं तो समझ लेते हैं सर, और कनेक्ट होकर देखो पढ़ाने का रीजन है बस एक एक चीज क्लियर रहना चाहिए नहीं तो पता चला कि तो ये आप हो, आपने क्या किया बस सुनते जाना, फोन ऑर्डर किया, क्या किया प्लीज समझिएगा, अच्छा अमेजोन ने आपको फोन दिया, फोन के बदले आपने उसको क्या दिया पैसा, तो मनी दिया, और उसके बाद यहाँ अब जब फोन देगा तो फोन ऐसा दिया कि फोन में बैटरी नहीं है, फोन आपके पास पहुंच गया बैटरी नहीं है, चार्जर भी नहीं है, अब फोन ऑन होगा नहीं क्योंकि बैटरी नहीं है, अच्छा उसके बाद आप खोले तो देखे सिम लगाने का भी जगह नहीं है, मतलब फोन मिला आपको तो ये डब्बा है कि फोन है, डब्बा मान लीजिए। अब आप सर अमेजन वाले को कॉल किया कि भाई क्या भेजे हो तुम ये, अच्छा अमेजन वाले ने एक बात बोला, बोला भाई हमको क्या पता क्या भेजा, तुम ऑर्डर किए थे हमको जो मन था भेज दिए, अच्छा कोई दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या, नहीं, लेकिन अगर अमेजन वाले पे अब कॉन्ट्रैक्ट है क्या कि सर अगर गलत फोन आपने दिया इधर तो आपको उसके बदले या तो रिप्लेस करना पड़ेगा या रिटर्न करना पड़ेगा या पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बना ना, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बने, एक नियम के तहत। तो अमेजन जिस तरीके से बोला कि अगर खराब सामान गया है आप तो हम ये आपको प्रोवाइड करते हैं क्या कि सर आपको वो सारा कुछ दे जिससे कि आपको जो चीज़ चाहिए था जिस ऑर्डर किया था वो मिल जाए, तो बीच में एक नियम आया, अरे जरूरत पड़े कि नहीं पड़ा, अच्छा दूसरी बात ये भी जरूरत पड़ी कि कस्टमर केयर है ही नहीं, मान लो सामान बेच दिया कस्टमर केयर नहीं है, कहाँ ढूंढोगे भाई लेके तुम ऑनलाइन, अगर कस्टमर केयर नहीं है तो परेशान हो जाओगे, तो कस्टमर केयर भी किसने बनाया, अमेजोन ने, अमेजोन ने कहा आपकी सुविधा के लिए कस्टमर केयर है, आप उस पर फोन करिए जो आपका प्रॉब्लम है उसका समाधान हो जाएगा, हाँ है ना। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में नहीं हो तो क्या आप जब सामान लेके आए तो उस दुकानदार से पूछ लेते हो भाई तीन चार दिन बाद रिप्लेस हो जाएगा ना, पूछ ले तो आप सिक्योरिटी के लिए बोलता एकदम हाँ जाइए ना हो जाएगा,
अच्छा तब आपको एक गारंटी मिल जाता है कि हाँ बोला है, लेकिन आप बोलते हो भाई लिख के दे, क्योंकि अगर दोबारा क्या कहेगा हम तुमको पहचानते हैं, मेरे मोबाइल मेरे दुकान का है ही नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। बोलेगा तुम कौन हो भाई, तुमको हम पहली बार देख रहे हैं इस पूरे पृथ्वी पे। अब ये जो प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए हमको सर एक कानून चाहिए था जो हमको बाइंड करके रखे। तो हम अमेजोन ने एक बनाया नियम कि बेटा अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सेम अब अमेजोन को हटाइए और अमेजोन के जगह पे गवर्नमेंट को लाइए। आप सिटीजन है, आपने गवर्नमेंट को क्या दिया, वोट दिया प्लस आपने टैक्स दिया, हाँ है ना। जब आपने वोट प्लस टैक्स दिया तो गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया, वेलफेयर। अरे आपको वेलफेयर प्लस क्या दिया, सिक्योरिटी, कि बेटा अगर आपको कुछ भी होता है और आप टैक्स अगर दे रहे हो तो उसका रिएक्शन और एक्शन कौन करेगा, गवर्नमेंट। आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सेम यहाँ पे एक जरूरत पड़ी हमें सिस्टम की, कि अगर हम किसी को कुछ भी दे रहे हैं तो एक ऐसा नियम होना चाहिए कि हम जब आपको दे रहे हैं उसके बदले हमें वो चीज़ मिलना चाहिए जो हमारी जरूरत को पूरा कर सके, हाँ है ना। दैट्स वाई यहाँ पे एक ऐसे नियम, और नियम में जरूरी नहीं कि लॉ, रूल में और लॉ में फर्क है, बट अभी आप समझिएगा कि एक कुछ ऐसा तो होना चाहिए जिससे कि हम दोनों क्या करें, बांध के रख सके, और प्लस सिक्योरिटी हमारी इतनी हो कि हम कोई भी सामान लें तो हमको दिक्कत ना हो। क्या सुन पा रहे हो? Yes, sir. जोर से yes, sir. समझो। अब यहाँ पे एक कानून की जरूरत पड़ी कि सर एक ऐसा कानून बनाइए जिससे, अच्छा आपने वोट प्लस टैक्स दे दिया, गवर्नमेंट बन गई। अच्छा गवर्नमेंट बन गई, गवर्नमेंट बोल रही है अब तुम अपना जानो, हमको क्या, वोट दे दिया हमारा काम हो गया। पहले भी तो इजोली ऐसा होता था, वोट लिए, वोट देने समय हाँ जी हाँ जी, जब काम के लिए गए तो कौन है जी आप, मतलब चलता है। लेकिन आपको सर क्या हुआ नियम, कि अगर सरकार अगर मान लो नहीं कर रही है कि सर एमसीडी में आप इतना कचरा आपने गली में आप फैला दिए हैं, आप इतने गली में फैला दिए, एमसीडी की जिम्मेदारी थी, सरकार ने बोला था कि जैसे हम सरकार बनाएंगे हमें सारा साफ सुथरा करवा देंगे, लेकिन अब करवा नहीं रही है। तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए ना जिससे कि आप सरकार के अगेंस्ट कुछ कर सको, सिवाय ट्रेन उड़न तोड़ने के, मतलब वो तो अलग बात है ना, समझ रहे हो, ट्रेन जलाना और तोड़ना सोल्यूशन थोड़ी है, वो तो अलग लेवल का बात है। तो आपके पास एक हक है क्योंकि आपने वोट और टैक्स दोनों दिया है, तो आप आराम से सर आपके लिए व्यवस्था है, आप कोर्ट में जाइए, और चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट, जहाँ मने वहाँ जाइए। तो आपके पास एक कैसे जा पाएंगे आप, जब आपके पास क्योंकि आपने वोट प्लस टैक्स दिया है तभी तो जा पाएंगे। इसीलिए जो लोग टैक्स नहीं देते हैं उनके साथ कुछ भी जल्दी हो जाता है तो जल्दी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा ब्लैक मनी खुद ही इतना रखे हैं तो काय के लिए जाएंगे, उनको पता है कि जितना गया है मेरा बर्बाद हुआ है वो आ जाएगा, और इसलिए सोचते हैं कोर्ट में नहीं जाना। सर सुनना, तो यहाँ से ओरिजिन ऑफ लॉ हुआ, ताकि ओरिजिन ऑफ लॉ, अच्छा लॉ क्या करेगा, दोनों को रिस्ट्रिक्ट करेगा, बांधेगा। तो कानून की जरूरत, जैसे आप घर में हो, मान लो पापा के साथ हो, मम्मी भी हैं, पापा और मम्मी ने आपको छूट दे रखा है, जाओ बेटा जो मतलब ऐस करना है एकदम ऐस करो, ठीक। आप क्या हुआ, आप ड्रग्स बेचना शुरू कर दिए। अब आपको सर छूट मिला था, आपको आपने कहा छूट मिला है, क्या बेचेंगे, ड्रग्स। अच्छा अब आपको पापा दो तरीके से हैं, एक पापा हो जो सुताई करेंगे पूरा, दूसरा एक तरीका है कि आप आज़ादी दीजिए लेकिन इतना दीजिए जिससे कि वो ना तो बिगड़े और ना ही बहुत ज़्यादा मतलब इतना भी फिलोसफिकल हो जाएगी कुछ काम का ही ना रहे। तो आपने ये क्या किया, बैलेंस अमाउंट में उसको आज़ादी दिया, हाँ है ना। आपने नियम बनाया कि देख बेटा तू शाम के 4-6 बजे तक जहाँ जहाँ मन है, लेकिन रात के 7 बजे तक तू आ जाइयो। तो एक कानून आ गया, एक नियम बना, अब उस नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये जो चीज़ जैसी हो गया लीगल बाइंडिंग, अब आप कितना भी घूमो 7 जैसी बजे आपके दिमाग का घंटी बजना शुरू हो गया, क्या कि पापा बोले थे, और अगर 7 बजे के बाद गए तो उसके बाद जो होगा वो इंडियन पापा जानते हैं। तो इंडियन पापा लोग क्या है सर, कुछ नहीं सोचते हैं क्या मिलेगा, और इंडियन मम्मी भी नहीं, बेलन हो चाहे चौकी हो, जो सर एकदम पहले स्ट्रेट जाएगा, किसी की जरूरत नहीं। तो अब यहाँ से थोड़ा समझिएगा, ओरिजिन ऑफ लॉ में लॉ दो काम करेगा, एक मैं दो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, मुझे समझा के बताना कि सही बोल रहा हूँ कि गलत। लॉ किसी का भी डेवलपमेंट को रोकता है, और दूसरा लॉ किसी के भी फ्रीडम को भी रोकता है। दोनों स्टेटमेंट में क्या मैंने बोला, सही या गलत? लॉ डेवलपमेंट को क्या रोकता है, और मैंने बोला क्या लॉ आज़ादी को रोकता है, नहीं सर। देखो लॉ रिस्ट्रिक्ट करता है बट एक मिनिमम स्टेज तक, जिससे कि आप ड्रग पैडलर ना बन जाए, ड्रग बेचने वाले बस ना बन जाए, आपको एक लिमिटेड अमाउंट तक छूट दे। पेज नंबर 2 पर जरा आइएगा और कुछ चीज़ें ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पेज नंबर
टू के बाद थ्री पे आइए। ऑरिजिन ऑफ लॉ दिया हुआ है, कानून का हैप्पी बर्थडे कैसे हुआ, मतलब कानून का जन्म कैसे हुआ। तो पहला आपको वहां पे कुछ चीजें दिख रहा होगा, अमेज़न दिख रहा है, एक तरफ सी दिख रहा है कंज्यूमर, दूसरे तरफ अमेज़न। अमेज़न को आपने क्या दिया, मनी, बदले में क्या मिला आपको, प्रोडक्ट, हाँ है ना। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो प्रोडक्ट आपको मिला, प्रोडक्ट की क्वालिटी प्लस क्या है, टाइम। और कुछ बताइए जरा। नेक्स्ट उसके नीचे आइए, गवर्नमेंट दिख रहा है आपको, अरे गवर्नमेंट की जगह पे ना आपको ऐसे दिख रहा होगा स्टेट। और मेरी बातों को शुरुआत में ही समझ लीजिए, जब स्मॉल स्टेट हो, स्टेट जब आप लिख रहे हो और स्मॉल हो, सुनना ध्यान से, जब अगर स्टेट लिखा और स्मॉल हो और एक है कैपिटल, इन दोनों के मीनिंग को समझिएगा जरा। ये स्मॉल स्टेट है और ये इधर देख लो, इधर इस एस पे फोकस करो। जनरली जब आप स्टेट बोलते हैं तो ये जो कैपिटल एस है इसका मतलब हमेशा सेंटर होगा, क्या होगा, सेंटर, एक नेशन को, एक एक कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब ये स्मॉल एस हो इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा, राज्य। बट अब डिपेंड करता है, सुनिएगा ध्यान से, अब जैसे मैंने बोला इंडिया इज अ स्टेट, क्या लिखा, इंडिया इज अ स्टेट। अब जैसे मैंने बोला इंडिया इज ए स्टेट तो दो चीजें हुई, क्या, सबसे फर्स्ट ध्यान दे रहिएगा, इंडिया इज ए स्टेट बोला तो आधा से ज्यादा लोग बोलेंगे कि सर पागल हो गए। अच्छा, द हिंदू में बार बार यही लिखा आता है इंडिया इज ए स्टेट, कभी भी नहीं लिखेगा, जल्दी बहुत कम टाइम लिखेगा इंडिया इज ए कंट्री। अब जैसे लिखा इंडिया इज ए स्टेट तो दो चीजें हुई, नॉर्मल आदमी बोलेगा कि हिंदू वालों को लिखने नहीं आता है, तो क्यों, जब आपको लिखोगे तो एक मीनिंग, एक नियम होता है ना कि सर पहला लेटर कैपिटल आप लिखोगे, और भी कुछ होता है, मॉन्यूमेंट्स के नाम, फेमस पर्सनालिटीज के नाम आप कैपिटल लिख लो। अच्छा, पहला कैपिटल तो दूसरा भी कैपिटल, नियम होता है पहला कैपिटल फिर क्या स्मॉल, तो इंडिया इज ए, अब मैं ऐसे लिख रहा हूं बड़ा, तो थोड़ा ऑकवर्ड से नहीं हो गया, हो गया, क्योंकि रूल हमने क्या किया, ब्रेक, तो हमने यहां पे स्मॉल कर दिया मान लो। तो अब एक प्रोसेस, इंडिया इज ए स्टेट तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इंडिया एक राज्य है, नहीं, आपको तो कॉमन से दूसरे में हो जाना चाहिए कि बात इंडिया की कर रही है। मैंने जैसे बोला यूके तो यूके इज ए स्टेट, तो उस समय आपको दिमाग रखना है, मैंने बोला नॉर्वे, नॉर्वे इज ए स्टेट, जब नॉर्वे बोलो तो दिमाग में आ रहा है राजधानी क्या था नॉर्वे का, ओस्लो, तो नॉर्वे इज अ स्टेट, यहां तक ठीक। मतलब जब कैपिटल लेटर हो तो ध्यान में रखिएगा उसका मीनिंग सेंटर होगा, और जब स्मॉल लेटर हो तो उसका मीनिंग क्या होगा, राज्य। बट कॉमन सेंस से जब भी कभी स्मॉल या बिगर आए तो उतने आप एलिजिबल होना चाहिए कि आपको समझ में आ जाए कि क्या है और क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, अब वहां पे स्टेट लिखा हुआ उसका मीनिंग क्या समझ रहे हैं आप, सेंटर की राज्य, सेंटर, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट समझिए, आपने देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या दिया है, वोट प्लस, अरे बोलो सही, वोट प्लस, बदले में क्या मिला, बदले में क्या मिला, सिक्योरिटी प्लस वेलफेयर। अब आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला तो आप सर ध्यान से समझिएगा, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, नीचे देखिए पेज नंबर 3 पे क्या लिखा है, ध्यान से, दो चीजें, लाइन और एक एड, एक स्टेटमेंट लिखा है, उस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से वहां पे देखिएगा। पहला स्टेटमेंट, एक वहां पे एक वर्ड हुआ क्विड प्रो क्यूओ, देख पा रहे हैं आप, क्विड प्रो क्यूओ, इसका मीनिंग एक ही चीज है, गिव एंड टेक, मतलब आपने वोट प्लस टैक्स दिया और बदले में क्या मिला, सिक्योरिटी प्लस वेलफेयर। तो कभी कभी क्या आप लोग सुन पा रहे हो, कभी कभी क्या होता है, ये नहीं लिखेगा गिव एंड टेक, वहां पे क्विड प्रो क्यूओ वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर न्यूज पेपर्स और आर्टिकल्स में, और वहां पे हम थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो जाता है, तो एक एक चीज को समझ जाएगा। नीचे आइए, दूसरा एक लाइन मिला होगा, संस्कृत इज टू हिंदू, उसको छोड़ दीजिए, स्टेट का मीनिंग वहां लिखा हुआ है देश और नेशन, और जब स्मॉल हो तो राज्य। सर नोट्स को इस कदर बनाया गया है कि आपको कोई भी चीज ज्यादा एफर्ट लगाना ना पड़े, वो जानबूझ के उतना मेहनत है, नहीं तो इतना ही चीज को लिखवाना होता ना, अभी आराम से आधा क्लास ऐसे ही बीत जाएगा। और बेवकूफ़ बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसको खाली लिखवा दीजिए, स्टूडेंट को महसूस होता है कि बहुत पढ़ लिए हैं, क्योंकि लिख रहा था ना वो, और जाके देखेगा तो कहेगा एक एक को टॉपिक तो अभी हुआ है, ये आप फील करेंगे, इसलिए सर बेवकूफ़ नया बनिए। नीचे आइए जरा, सिटीजन वाला काम हो गया, मान लीजिए सिटीजन ने चोरी किया, पढ़िए जरा वहाँ ध्यान से, देन स्टेट है सम गाइडलाइंस ताकि उसको पनिशमेंट दिया जाए, इसलिए यहाँ से लॉ का ओरिजिन हुआ। नीचे आइए,
लॉ इज ए ऑर्डर इन केओस, कानून एक ऑर्डर है जब कुछ गलत होता है तो कानून क्या है, इट्स एन ऑर्डर, एक ऑर्डर है, अगर आपने कुछ गलत किया है तो ऑर्डर दिया जाता है कि बेटा इसको फांसी पर लटकाओ चाहे सूली पर लटकाओ। नीचे लॉ इज ए स्पीड ब्रेकर, लॉ इज ए व्हाट, स्पीड ब्रेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि लॉ इज ए स्पीड ब्रेकर क्योंकि इट रिस्ट्रिक्ट्स बोथ सिटीजन एंड स्टेट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। कैसे स्पीड ब्रेकर है, सर देखो इधर स्पीड लिमिट जब दिया गया, स्पीड लिमिट को हटा के बोल दिया जाता जितना माने जैसे माने आप गाड़ी चलाओ, तो पता चला आधा इंडिया की आबादी साफ हो गई। अब बीच में क्या हुआ, स्पीड ब्रेकर आया, स्पीड ब्रेकर भी कुछ लोग नहीं ब्रेक वहां पे भी नहीं मारते, सीधा जा रहे हो बस वहां खड़े हो जाएंगे वो थोड़ा बाकी उसको एकदम उसको भी उसको गाँव के लेंगे क्या बोलते छरपा दिया अच्छा बनाया क्यों गया था वो कि आप सर वहां पे नॉर्मल होके चले जाएं, लेकिन आपने क्या किया, इंडिया के लोग है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम अगेंस्ट द लॉ जाएंगे। अब यहां से दो बातें हुई, सूर्याल ध्यान से, लॉ ने क्या किया, क्योंकि जब तक लॉ नहीं था तब तक आप जो मर्जी कर रहे थे ना, बिकॉज यू आर डूइंग एनीथिंग, लेकिन अब लॉ आया तो क्या बोला कि बेटा आप उतना देर तक नहीं जा सकते जहां पे नियम है। अगर नियम बोलेगा कि आपको राजस्थान में नहीं जाना है, मान लो आपको असम में नहीं जाना है, तो आप क्या जाओगे, आप जाओ, लेकिन उसके बाद जो पनिशमेंट मिलेगा वो कौन देगा, लॉ के अकॉर्डिंग देगा। तो दो चीज हुआ, लॉ ने आपको सर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लॉ ने आपको बांध दिया, तो लॉ इज एक्ट एज ए स्पीड ब्रेकर, लेकिन इतना भी नहीं बांधा कि आपकी जो जरूरत की चीजें थी, आपकी लाइफ एंड लिबर्टी थी, वो खत्म हो गई। ऐसा थोड़ी है कि आपने जबरदस्ती बांध दिया और आपने क्या बोला, बेटा आप घर से नहीं निकलोगे, जैसे पापा ने किया, बांध दिया, कहा खूंटा में नहीं घर में बांध दिया और बोला यहां से बाहर निकलना नहीं। तो ये जो बाहर निकलना नहीं है, तो आपके वहां पे क्या हो गई, राइट टू जो आपका मूवमेंट है, जो आपका घूमने का अधिकार है इंसान का, वो खत्म हो गया। जैसे आप लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, कुत्ता पाल लेते हैं, तो कुत्ता पालते हैं तो शौक से कम पालते हैं, स्टेटस सिंबल ज्यादा है, ये एकदम सही बात है भैया। अच्छा शाम में कम से कम कोई घूमने वाला नहीं मिला तो किसको लेके घूमते हैं, कुत्ता को, अच्छा इसी बहाने वो घूम भी लेते हैं, तो कम से कम बढ़िया चीज है, मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं है। बट मैं हमेशा ये मानता हूं कि आप सर जो भी कुछ करें, कुत्ता पालिए चाहे बानर पालिए चाहे बिल्ली पालिए जो मैंने पालिए, लेकिन कम से कम इंसान की इज्जत जरूर करें, क्योंकि घर में दादाजी उनको कोई पूछ नहीं रहा और शाम में कुत्ता को सैर कराने के लिए शायद तीन तीन आदमी लोग घूम पा रहे हैं, दादी वहां पे कुछ बोल रही है तो नहीं, तो ये थोड़ा सा अटपटा सा है, ध्यान रखिएगा आप लोग खुद समझदार हैं। नीचे इसका मतलब लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, बट प्रश्न ये है कि हाउ इंपॉर्टेंट इन द लॉ। अच्छा आपको दो तीन बातों से समझ में आ गई कि हाँ सर कानून तो जरूरी होना चाहिए, अगर आपको भी खुला छोड़ दिया जाए तो भैंस और सांड की तरह जो मैंने वो कर लेंगे लोग। अब जैसे सर एक नाम है, अगर आप सुने होंगे तो ब्रूसली के नाम सुने, कोई सुने है ना, तो ब्रूसली भी जबरदस्त था। अब ब्रूसली को उसने इतनी बार ट्रेनिंग करी थी अपनी, तो ब्रूसली एक ही बात बोलता था कि मैं हजार स्टेप्स में बिलीव नहीं करता, मैं एक स्टेप्स को हजार बार इतना परफेक्ट बना लेता हूँ कि मेरा एक स्टेप जब किसी पे दांव पे जाए तो उसको लगे कि पड़ा है। तो जो आप हिंदी में कहावत है, सौ सुनार का और एक लोहार का, तो ये जो चोट है, तो ब्रूस ली क्या हुआ, तो उसने इतनी ट्रेनिंग कर ली थी, या मैं एग्जैक्ट नाम भी अगर हो सकता कहीं भूल जाऊं तो उसमें दिक्कत नहीं है, उसके पास इतना स्किल आ गया था कि सर वो भैंस के पेट में अगर मारता ना तो पूरा लगभग मारते मारते लगभग आर पार कर देता था। और ये झूठ बात नहीं है, ये छिपाया गया जानबूझ के चीज़ों को। ब्रूस ली इतना स्ट्रांग हो चुका था और अपने अंदर एंटी पॉइजन एक्टिविटीज भी डेवलप करना शुरू कर दिया था। देखिए इंसान जब तक इंसान है ठीक है, जब वो भगवान और कुछ उससे ऊपर अमर बनने की कोशिश करता है तो बोले ना, जैसे शिव जी ने क्या वरदान दे दिया कि बेटा तुम जिसको जिसके हाथ मतलब अपना सर जिस पे रखोगे, सर की हाथ हाथ तो अपना हाथ जिसके सर पे रखोगे क्या हो जाएगा, बस अच्छा ये आदमी शिव जी के पीछे पड़ गया, अब शिव जी भागते फिर रहे कि बेटा ये जाए कहाँ, तो बाद में जरा नचवा उचवा के अपने पे ही रखवा दिया गया। तो ये जो हरकत है, उसने क्या किया था, जब अगर कोई लॉ नहीं रहता तो बार बार बहुत सारे जानवर को ये प्रैक्टिस करने के लिए मारता था और ये ट्राई करने के लिए कि आर पार जा रहा है कि नहीं, और लगभग ये सर बोलते हैं ना उसको बहुत खरोच मार मार के काफ़ी एनिमल्स बर्बाद भी हुए थे, लेकिन ये प्रैक्टिस कर रहा था। लॉ ये क्या बनाया गया कि बेटा आप मार रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो तो किसी और को करो, ये इंसान और लिविंग बींग को मार के प्रैक्टिस करने कौन सा तरीका है, तो लॉ ने बांध दिया। अच्छा इसकी बीबी ने इसको मारा, कमाल की बात है कि जहर दे दिया उसको। अच्छा जहर दिया तो एक दिन से नहीं, बहुत दिनों से जहर दे रहा था, और जहर देते थे लास्ट में वो कहा जाता है, इसमें दो चीज है, बाद में क्या किया मरते वक्त भी उसने क्या किया, थोड़ा सा अपना एक हाथ उंगली घुमाया बीबी साफ, तो उसकी प्रैक्टिस तो इतनी हार्ड तक थी कि लास्ट उसको पता चल भी गया था।
लेकिन लॉ अगर नहीं आता तो कितने भैंस को तो मार देता है। तो कानून क्या है सर, अगर आपको भी कानून, आपको भी घर पे पूरा छूट मिल जाए ना, तो क्या बवाल आप मचाएंगे, ये बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो गाना आया डैड मम्मी है नहीं घर पे। तो ये जो डैड मम्मी है नहीं घर पे गाना सुने है ना, ये क्यों आया? वहां पे बताया गया कि बताओ पॉलिटी में लॉ का जरूरी है। आ रहा समझ में? नहीं तो बेटा कुछ भी हो जाएगा। और जरा नीचे आओ प्लीज, एक एक चीज कनेक्ट कर लेना, नॉर्मली आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आपको सर लगेगा ही नहीं कि क्लास हो रहा है और खत्म हो जाएगा और आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। दो बातें का ध्यान रखिएगा, लॉ इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन ये उठता है आदमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप दो तीन बातों का ख्याल प्लीज रखिएगा, तो आप यहां से एक ही रिदम में पूरा का पूरा फिनिश करिएगा। अब मैंने बोला, आप लोग में से कितनों को लगता है कि सर लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है? ठीक है, मतलब ज्यादातर लोग तो प्रेफर आप एक ही करोगे कि सर लॉ इंपॉर्टेंट वाकई ज्यादा है, आदमी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लीज आप लोग सोच तो बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन दो कंडीशन में बता दे रहा हूं। पहला है रूल ऑफ लॉ। जब लॉ अगर बड़ा है किससे, पीपल से, उसको क्या बोलेंगे? रूल ऑफ लॉ। और जब अगर मैन या पीपल बड़ा है तो उसको बोलेंगे रूल ऑफ मैन। मतलब आदमी अगर कानून से बड़ा हो जाए उसको क्या बोलेंगे? रूल ऑफ मैन। और अगर कानून आदमी से बड़ा है तो क्या बोलेंगे? रूल ऑफ लॉ। क्या सुन पा रहे हो? प्लीज जिसका सर नहीं कहा है समझिएगा बात। यहां से एक बार पैटर्न फर्स्ट क्लास इसलिए थोड़ा सा जा रहा है, बाकी ये पूरे क्लास के मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये रूल ऑफ मैन, रूल ऑफ लॉ और आगे जितने भी फर्स्ट बेसिक पढ़ा रहा हूं पॉलिटी के लास्ट क्लास तक यूज होगा, ये दिमाग में आप रखिएगा। हर जगह वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप प्लीज ध्यान देना। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ मैन। मैंने बोला रूल ऑफ लॉ में लॉ इज ग्रेटर देन पीपल, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अच्छा, यहां पे पीपल के पास ज्यादा पावर है लॉ से। अब दोनों चीज का अपना फायदा है, अपना नुकसान है ना? अरे हर सिक्के के कितने पहलू होते हैं? दो पहलू। अब इसका कुछ अपना बेनिफिट है, कुछ अपना नुकसान है, इसका कुछ अपना बेनिफिट समझना। अगर लॉ ग्रेटर देन पीपल है तो दो चीजें होगी। सबसे फर्स्ट, कानून के अकॉर्डिंग चलोगे तो पहली बात, इधर कोई बिल पास कराना है या कोई नियम पास कराना है। अब बिल पास कराने में नियम यह है कि पहले मंत्री जी हैं, तो मान लो एक बक्स एक बेसिक मैं एजम्पशन बता रहा हूं कि मंत्री जी पहले पूछेंगे उनसे, वो अगर बताएंगे तब फिर आगे बात बढ़ेगा, ये नियम बताता है। अच्छा, इधर दूसरे में है कोई नियम वो नहीं है, एक ही आदमी है, जो बोल दिया सो हो गया। दोनों में जल्दी किसमें पास हो जाएगा? इसमें, क्योंकि आदमी अब राष्ट्रपति है, अमेरिका में राष्ट्रपति है, सिर्फ राष्ट्रपति ही सर्वोपरि है, राष्ट्रपति के सामने मान लो कोई कुछ नहीं है, राष्ट्रपति ने जो बोल दिया हो गया, तो यहां पे नियम जल्दी पास हो जाएगा या यहां पे? यहां पे, क्योंकि आदमी एक ही है, उसको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई नियम है। लेकिन सर इधर वो आदमी सीधा बोल देगा जो मन चाहे करने के लिए, क्या पता कल बोल देगा जितने काले लोग हैं सबको पकड़ के टांग दो, हो सकता है। और अमेरिका जैसे कंट्री में स्वाभाविक है सर, हो सकता है। इसीलिए अमेरिका में कभी भी नियम या कानून पे विद्रोह नहीं होता है, वहां डिस्क्रिमिनेशन पे ज्यादा विद्रोह होता है। इसलिए कोई भी, इंडिया में क्या है, हर बिल पे क्या है, दंगा हो जाएगा। कोई भी बिल है शांति से पास ही नहीं होना है। अच्छा, अग्नि भी रहा है, ट्रेन जला दिया, इसके पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, वो भी कुछ मतलब शांति से कुछ पास नहीं हो रहा। इसका भी कुछ कारण है, आगे बताऊंगा, क्योंकि बिल डिस्कशन अच्छे तरीके से नहीं होता है, आगे पढ़ाऊंगा पार्लियामेंट्री कमिटीज वगैरह। अमेरिका में कोई बिल पास होता कोई हल्ला आप नहीं सुनेंगे, वहां सुनेंगे क्या, गोरे ने काले को मार दिया। अब वहां पर रिवोल्ट शुरू हो गया, ब्लैक लाइफ मैटर्स। समझ पा रहे मेरी बात? अब इधर ध्यान दीजिएगा आप, रूल ऑफ लॉ में दो फायदे हैं। पहला, ये रिस्ट्रिक्ट करता है किसी भी गवर्नमेंट को, अगर ये चाहे कि जो मन है कर लें, कौन अगर ये चाहे जो मन है कर ले तो क्या कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सर लॉ उनको रिस्ट्रिक्ट करेगा, बेटा औकात में रहो। अच्छा, इधर है ये जो चाहे करता है, इसको कोई औकात में लाने वाला नहीं है। एक वर्ड है और एक डायलॉग है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर किसी एक इंसान के हाथ में पावर चला गया तो याद रखिएगा करप्शन का सबसे चरम सीमा है। वो इंसान कितना भी अच्छा हो लेकिन एक आदमी के हाथ में पावर जाना है कभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ जाहिर सी बात है कभी उसका ईगो बीच में आएगा, कभी कुछ बीच में आएगा, वो सीधा बोलेगा पूरा घर को आग लगा दो, कभी बोल देगा ये कर दो वो कर दो। लेकिन वहां पे सर नियम है कि अगर घर को आग लगाओगे तो पहले कानून भी है कि बेटा
घर को आग लगाओगे तो उसके बाद तुम्हारा कुछ भी जो होगा सो तुम भी जानना। अब जरा इसमें दो तीन बातों का ख्याल करके देखिएगा, पेज नंबर 3 नहीं, पेज नंबर 3 पे नीचे डाउन दो चॉइस लिखा है, रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ पीपल। तो पहला है रूल ऑफ मैन, उसी में सॉरी फर्स्ट में आपको क्या लिखा है, रूल ऑफ लॉ में क्या लिखा है, लॉ इज ग्रेटर देन पीपल लिखा है। नीचे आइए, अब उसके बाद उसमें आपको रूल ऑफ मैन में, रूल ऑफ मैन में क्या लिखा है कि सर मैन जो है उसका ज्यादा पावर है कॉम्पिटेटिवली किसके, लॉ से। पेज नंबर 4 पे आइए जल्दी से, पेज नंबर 4 पे आएंगे तो उसमें प्रोज एंड कॉन्स लिखे होंगे। प्रोज मतलब क्या है, फायदा, कॉन्स मतलब नुकसान। तो जरा रूल ऑफ लॉ का प्रोज फायदा देखिए, पहला क्या है, जल्दी चेंज नहीं कर सकते आप। इधर देखो, एक बार कानून अगर बन गया तो कानून को बहुत जल्दी आप चेंज करना चाहें तो चेंज नहीं कर सकते। अरे ऐसा हो जाएगा क्या, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सर कानून पास कराने में इतना प्रोसेस कि आप चाहो कि आज बना दिए कानून कि ऐसा हो गया और फिर दूसरे दिन बोल दिए नहीं ऐसे हो गया, तो ये प्रोसेस डिफिकल्ट है। कब, जब लॉ बड़ा हो पीपल से तब। सुन पा रहे हो, अच्छा अब उसके नीचे दूसरा पॉइंट क्या, जरा बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी, कंसिस्टेंट। अब सर सीधी सी बात है, जब अगर आप जल्दी से चेंज नहीं कर सकते हो तो कंसिस्टेंट होने का चांस तो बढ़ ही गया ना। कंसिस्टेंसी कब आता है, कंसिस्टेंसी तब आता है जब किसी चीज, कंसिस्टेंसी मतलब पहले क्या होता है, लगातार, लगातार जो ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर आपको कोई भी चीज दिमाग में रखिए, अगर आपने सोचा है मुझे आईएएस करना है, आप आराम से एक ही प्रोसेस में कर रहे हो, लेकिन बीच में आ गया नहीं आईएएस छोड़ देते हैं खेती बाड़ी करते हैं, तो अब आपने खेती बाड़ी की तरफ दिमाग घुमा लिया, अच्छा कुल बोले पान का दुकान खोल लेंगे, अब ये जो आ गया तो आपने क्या किया, अब क्या आप लगातार रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो बेसिकली आप क्या, जब भी कभी दिमाग में रखिएगा कि सर अगर जल्दी चेंज किसी चीज को आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पापा बोलेंगे बेटा आईएएस ही बनना है, अगर आईएएस के अलावा दूसरा कुछ सोचा काट देंगे, अब जैसे ही बोला काट देंगे आपका दिल दहल गया, तो अब जैसे ही बोलो पापा मेरा मन तो खेती करने का, बोले आईएएस, तो आप सर जब आपके साथ चेंज करने का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट हो जाए तो आप लगातार रहना करेंगे, भले मन या बेमन बात की बात है। थर्ड पॉइंट क्या है बताइए, अब कॉन्सिक्वेंसेज में जैसे कौन से आपका नुकसान क्या है, पहला स्लो होगा, अच्छा कोई भी चीज अगर पास करोगे तो स्लोली होगा ना, अच्छा दूसरा क्या है, डिफिकल्ट टू चेंज या टफ टू चेंज, जब आप उसको जल्दी बदल ही नहीं सकते तो नुकसान भी तो है। मान लो एग्रीकल्चर बिल पास हुआ, अरे हुआ ना, अब एग्रीकल्चर बिल पर धरना दे दिया, अच्छा धरना दे दिया तो किसान बोले कि आज ही चेंज करो, आपको लगता है एक दिन में चेंज हो जाएगा, जब एक दिन में कानून बने हैं तो एक दिन में चेंज कहाँ से हो जाएगा, इतना तो माथा पच्ची करके बेचारा लाया है लोग, लेकिन सर चेंज करने में वक्त तो लगेगा, तो गवर्नमेंट ये तो जो लोग बोलेगे ना चलो ठीक है हम चेंज करेंगे लेकिन आपको वक्त इतना देना पड़ेगा। अच्छा जरा दूसरे पार्ट पे आना क्विक, रूल ऑफ मैन क्या लिखा है, फास्ट, सर एक आदमी को फैसला लेना है, तुरंत फैसला लिया कि आज ये करते हैं करते हैं, बात खत्म, किसी से ना पूछना ना किसी से जानना है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, जरा इजली चेंजेबल, अरे एक आदमी आज सो के उठा, अच्छा सो के उठा क्या बोले, नियम खत्म। आपको पढ़ाऊंगा यूके में, ध्यान से समझिएगा, वहां लॉ का कोई मतलब नहीं है, अगर वहां की क्वीन चाहे सुबह उठेगी बोलेगी संविधान बदल दो बदल जाएगा, और आपको पढ़ाऊंगा अभी मैं, इसलिए वहां कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नहीं करता, वहां पे सिर्फ रूल ऑफ मैन मैटर करता है। क्वीन एलिजाबेथ या कोई भी क्वीन है वो उठी और बोली आज से कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रावधान चेंज चेंज, लेकिन इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदला नहीं जाएगा, लेकिन वहां से रूल ऑफ मैन है और वहां पे आपको जानबूझ के पता चलेगा कि कोई भी नियम जब मन चाहे तब चेंज हो सकता है। अब जरा पॉइंट नंबर 3 नीचे आना, क्या लिखा है उसका नुकसान क्या है, पहला बात है एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब क्या होता है, बेकार, मिसयूज मतलब आप उसको गलत तरीके से मिसयूज कर सकते हैं, क्योंकि आप अकेले हैं, अकेले पावर में आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो डैड मम्मी है नहीं घर पे, तो आप उसके पास सर जो मस्ती तोड़ फोड़ टीवी तोड़ ताड़ सब कर लेंगे, जिसको मन नहीं है उसको भी बुला लेंगे। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनस्टेबल, अरे है ना, तो अनस्टेबल क्यों है सर, जब एक आदमी के हाथ में पावर होगा तो स्टेबिलिटी कभी बनेगा नहीं, अनस्टेबल होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि आज कुछ और कल कुछ और। नेक्स्ट तीसरा क्या है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, एक कोटेशन है जो आप डालोगे जब भी कभी आप ये बोलोगे कि लॉ बड़ा है या पीपल बड़ा है, तो वहां क्या डालोगे, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, इसका मीनिंग एक ही है कि जब भी किसी एक आदमी के हाथ में पावर पूरा चला जाएगा तो करप्शन का जो रेट है बढ़ने का चांस हमेशा बढ़ जाएगा। क्या सुन पा रहे हो, अभी तक क्या पढ़ा हूं, दो मिनट पहले दिमाग में पिक्चर बना लो क्विक प्लीज। पहले मैंने बोला थीम 9, कितना थीम में कवर करेंगे, 9, कितना थीम 9,
फर्स्ट थीम में हमने स्टार्ट किया, पहले डिफरेंस समझे पॉलिटी, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस। तो पॉलिटी क्या है? एक लीगल सिस्टम है। पॉलिटिकल साइंस क्या है? नॉलेज ऑफ पॉलिटी, मतलब उस सिस्टम का नॉलेज। और थर्ड क्या है? गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या है? सॉल्यूशन टू द गवर्नेंस प्रॉब्लम। उसके बाद आगे है, तो पहले ये जाने कि लॉ आखिर उत्पत्ति हुआ कैसे। तो हमने ये जाना कि अगर कभी भी लॉ नहीं आएगा तो कोई भी लोग कुछ भी करेंगे और कोई किसी की भी जवाबदेही नहीं लेगा। तो जिस तरह से हम वोट प्लस टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट हमको वेलफेयर प्लस सिक्योरिटी देती है। उसके आगे बढ़े तो ओरिजिन ऑफ लॉ तो आ गया, चलो ठीक है लॉ जरूरी है, लेकिन लॉ में भी दो बातें इंपॉर्टेंट है, क्या लॉ ज्यादा पावरफुल होना चाहिए या पीपल ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। तो अगर रूल ऑफ लॉ है इसका मतलब लॉ ज्यादा बड़ा है कि पीपल, लॉ। और अगर रूल ऑफ मैन है तो किसका पावरफुल है? मैन। तो मैन इज ग्रेटर देन लॉ। दोनों का फायदा, दोनों का नुकसान। और सबसे इंपॉर्टेंट एक डायलॉग, क्या एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। अब बात ये उठता है, सुनो इधर, कि सर बात तो सही बोला, या तो आदमी ज्यादा बड़ा हो गया कौन, लॉ, लेकिन इंडिया किसको फॉलो करेगा? तो क्वेश्चन है कि इंडिया अगर रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेगा तो क्यों फॉलो करेगा, रूल ऑफ मैन को फॉलो करेगा तो क्यों करेगा? अरे वाजिब कारण होना चाहिए ना कि हम उसी को क्यों फॉलो करेंगे। और जब तक क्यों नहीं समझ में आएगा तब तक सर आप कहाँ और कैसे रटते रहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझना इधर, पहले मैं बताता हूँ जिस कंट्री ने रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया। चूंकि हम इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो हम पहले ये समझ लेंगे कि इंडिया में आखिर रूल ऑफ लॉ आया कि रूल ऑफ मैन आया, और आया तो क्यों आया। क्या सुन पा रहे हो? जिसको इसको नींद आ रही होगी सो जाना आराम से, अब सुनना ध्यान से, ठीक है। अच्छा इंडिया में क्या है पहले ये बताओ, रूल ऑफ लॉ की रूल ऑफ मैन, इसमें किसी को डाउट है? रूल ऑफ लॉ इंडिया में है, यहाँ तक समझना। बता रहा हूँ पॉलिटी आप जितना भी क्लास कहीं भी कितना भी पढ़ लिया हो, कितना भी डेप्थ में कहीं भी कुछ भी, चिंता मत करो, एक अलग लेवल का आपको पॉलिटी समझ में आएगा। एंड आई कैन गारंटी यू आपको जो महसूस होगा उसके बाद वो आप खुद फील करोगे, किसी और को जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इधर, अब इंडिया में दो समस्या थी। पहली बात, अंग्रेज बड़ा मार मारे थे हमको, क्योंकि सर हम पे राज किए थे ना वो, तो खेत नहीं जोते तब भी पिटाई, अच्छा लगान नहीं दिए तब भी पिटाई। तो ये जो मार रहे थे ये आदमी थे कि राक्षस थे? थे तो आदमी लेकिन काम क्या कर रहे थे? राक्षस वाला। अच्छा ठीक, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ कि इंडिया में आखिर इंडिया ने लॉ को ज़्यादा सुपीरियर क्यों माना, आदमी में ज़्यादा पावर क्यों नहीं दिया। सुन पा रहे हो? प्लीज़ ध्यान से एक समझ लीजिएगा, फिर यही पॉइंट हर जगह पूरे पॉलिटी में फिर आएगा। पहली बात, सबसे फर्स्ट क्या बोला कि सर हमारा इतिहास जो है ऐसा है कि इतिहास ऐसा है कि इतिहास में दो चीजें हैं। फर्स्ट, हमको इतना परेशान किया गया है कि हम सर कभी भी लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते थे, इसीलिए जब संविधान बन रहा था तो भीमराव अंबेडकर और सभी लोग ये सोच रहे थे किया क्या जाए, आदमी में ज्यादा पावरफुल दिया जाए कि कानून को ज्यादा पावरफुल दिया गया। तो सब लोगों सोचे क्या, अंग्रेज भी तो कानून कुछ बना ही थे, लेकिन कानून बनाने के बावजूद भी तो अंग्रेज हमको प्रताड़ित करते थे, तो हमको क्या आदमी पर विश्वास रहेगा क्या? नहीं रहेगा। यानी कि हमको इंसान पर भरोसा क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हमारा इतिहास ऐसा है, इतिहास में सब लोगों ने हमको क्या किया, काफी प्रताड़ित किया। पहला पॉइंट। अच्छा दूसरा पॉइंट, अब मुझे ये बात बताओ, उस समय का जो मैंने आपको बताया भी था एक बार, सबसे इधर, उस समय मात्र 16% मेल लोग शिक्षित थे, मतलब पुरुष मात्र कितना परसेंट, 16%, और फीमेल मात्र 9%। मतलब पूरा जो उस समय का आबादी था बहुत क्या था, पढ़ा लिखा सर, बिल्कुल अनपढ़। मतलब ये 16% 9% क्या रेशियो है, ये तो लगभग ना के बराबर ही है। अच्छा ये भी 16% जबरदस्ती ही हुआ होगा, कि गवर्नमेंट डेटा जब है तो सीधा सा बात है, अच्छाई थोड़ा बढ़ जाता है और बुराई छुपा लिया जाता है, ये नेचुरल है, हर गवर्नमेंट करती है, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट नहीं, बस फर्क है इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा कर लेती है। अब यहाँ पे मेल उस समय मात्र 16% शिक्षित है यार, और फीमेल कितना, 9%। तो हम कहां से इंसान में पावर दे सकते थे, क्योंकि जब शिक्षित ही नहीं था पूरा पॉपुलेशन, और किसी एक को अगर पावर दे भी देते तो वो आदमी कैसे समझ पाता कि अनएजुकेटेड की क्या समस्याएं हैं। अच्छा दूसरी बात ये, पूरा आबादी अनपढ़ है, मात्र 16% और 15% पढ़ा लिखा है, वो कैसे मतलब संभाल लेगा। अब ये जो चीज है ना, पहला पॉइंट क्या बोला, हमारा इतिहास, रिपीट करो, पहला क्या, इतिहास, आवर पास्ट, हमारा पास्ट ऐसा था, लोगों ने हम इतना प्रताड़ित किया। अच्छा सिर्फ अंग्रेजों ने ही हमें परेशान नहीं किया था, ये एक गलती मत रखिएगा, हमारे अपने ही लोग हमें बहुत परेशान कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज लोग क्या, जमींदार, जमींदार, अरे जमींदारी तो हमसे वसूल के ले जाते थे,
अंग्रेज ने बोला 10% लेके आओ, जमींदार ने हमसे 50% मांगा, 10% उनको दिया, 40% अपना लिया। तो शोषण अपने लोग ज्यादा कर रहे थे, अंग्रेज तो खैर कर ही रहे थे। अरे हाँ ना, तो हम कैसे भरोसा कर सकते थे कि जब इतना परसेंट अनपढ़ लोग हैं तो किसी आदमी के हाथ में पावर कैसे दे दें? नहीं तो फिर आदमी के हाथ में पावर जाएगा तो अब शोषण और ज्यादा करेगा कि कम? अब और ज्यादा, क्योंकि अब तो पावर मिल गया उसको। अच्छा, थर्ड पॉइंट, हमारे जो आपके अपने राज्य हैं, ध्यान से समझिएगा, राज्य लोग मर्जी से भारत से जुड़ा कि जबरदस्ती? सर हर कोई मर्जी से नहीं, ये तो कमाल था जवाहरलाल नेहरू का और सरदार वल्लभ भाई पटेल का कि साम दाम दंड भेद, जैसे हो राज्य को पकड़ो और आपस में जोड़ो। तो सबको अपना अपना अलग तरीके से जोड़ना लिया। अच्छा, अब ये भी तो डर रहेगा कि जबरदस्ती जोड़े हो, क्या पता राज्य हम पे फिर वापस पलटवार कर दे। तो हमने क्या किया, इधर लॉ बना दिया, कि लॉ बनाया और लॉ में क्या बोला कि किसी भी राज्य को ये पावर नहीं है कि इंडिया से अलग हो सकता है। तो यहां पे भी कानून बड़ा हुआ कि पीपल कानून। तो हमारे पास सिचुएशन ही ऐसा है कि हम कानून को ही पावरफुल बना सकते हैं, हम लोगों में पावर दे नहीं सकते। पहला पॉइंट, आवर पास्ट, हमारे इतिहास। दूसरा मैंने क्या बोला, शिक्षित, जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर मात्र मेल का 16% और फीमेल का 9%। थर्ड पॉइंट क्या बोला, इनवॉलेंट्री फेडरलिज्म, इसका मीनिंग होता है फेडरलिज्म संघवाद। अभी समझना बस, इसका मीनिंग क्या है कि जो राज्य हमसे जुड़े थे वो राज्य हमसे जबरदस्ती जुड़े थे, हर कोई अपने मर्जी से नहीं जुड़ा था, तो कभी भी अलग होने का डिमांड कर देते। इसीलिए हमने क्या बोला, पावर तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा, किसके हाथ में रहेगा, लॉ के हाथ में। और लॉ ने क्या बोल दिया, इधर सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स एंड सेंटर हैज नॉट पावर टू सीसीड फ्रॉम इट। सेंटर के पास, सॉरी, स्टेट हैज नॉट द पावर टू सीसीड, स्टेट के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो केंद्र से अलग हो सकता है। इसलिए ममता बनर्जी जैसी बोलती है, आमी बांग्ला छे और घर में जंगला छे, तो ये बार बार जो बोलती है हमको अलग देश चाहिए, कि अब बांग्लादेश नहीं, बंगाल को एक अलग देश का मतलब दे, कभी कभी आ जाता है। तो उनको आप बोल दीजिएगा चुपचाप कि मैडम जिस समय बंगाल हुआ था, ज्वाइन किया था, तो लॉ ग्रेटर देन क्या था, पीपल। अब जब आप सरकार में आइएगा, आप खुद बोल दीजिएगा कि लॉ छोटा है, पीपल बड़ा हो गया है, उस दिन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, अभी ज़्यादातर राजनीति ना करें। तो ये बस एक राजनीति का पार्ट है, बट आपको भी ये बात पता है कि बंगाल क्या कभी दूसरा कंट्री बन सकता है, नहीं बन सकता। अब कब बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं, लेकिन सर जब तक आप हैं, नेक्स्ट 50 साल 100 साल, ये बहुत सारे जनरेशन तक तो नहीं बन पाएगा। अच्छा, चौथा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था पहले ये बताओ जल्दी से, आवर पास्ट, हमारे इतिहास ऐसा था कि हम लोगों में पावर नहीं दे सकते थे क्योंकि लोगों ने हमको काफी सताया था। दूसरा पॉइंट, लिटरेसी रेट इतना कम था कि हम सर पावर पीपल में दे ही नहीं सकते थे। तीसरा पॉइंट, हम राज्यों के साथ जुड़े थे तो हमें सर ऐसा कभी भी विश्वास ही नहीं था वो कभी जुड़ पाएगा, कभी भी अलग हो सकता था, तो हमने किसको पावर दिया, लॉ। अच्छा, चौथा पॉइंट है डाइवर्सिटी, विविधता। सर इतना हमारे देश में जाति धर्म इतना है। अच्छा, इधर अगर हम पावरफुल किसी एक को बना देते, मान लो हमारे यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम क्रिश्चियन सब है, हमने ये सरकार ऐसे को बना दिया जो हिंदू था, तो मुस्लिम तो बोलेगा ना कि आपने उनको बना दिया, फिर सिविल वार सिचुएशन। अच्छा, सिख भी बोलेगा, फिर क्रिश्चियन भी बोलेगा, इतना ज्यादा विविधता था, हमने बोला ना ये ना वो ना कोई और, कौन बनेगा, लॉ इज ग्रेटर देन पीपल। तो हमारे पास ये भी एक संभावना बन गया कि हम सिर्फ पावर किसको दे सकते थे, लॉ को, ना कि आदमी को। क्या समझ में आ रहा है? एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो कोई रेलवे या लेबल तक, जो नीचे के एग्जाम तक सोचा होगा, आपको यकीनन बता देता हूं ये सब कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मेरे तक पहुंचते पहुंचते आधा से ज्यादा लोग दर पे आए और उधर गिर गए। क्यों? क्योंकि उनको पता है रेलवे में क्या चलता है, सीधा भी क्या बोलता है, फर्स्ट पॉलिटी ऐसे ऐसे पढ़ाया जाता है, पॉलिटी खोलो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे पूरा तथ्य लिखो, पहला पहला तथ्य क्या लिखो, संविधान, संविधान एक पुस्तक है। दूसरा सर ये जो रामायण जो शॉर्टकट चलता है ना, आप लोग में से ज़्यादातर लोग दो लूसेंट बना के रखे होंगे, एक लूसेंट तो छपा है और दूसरा लेसन टीचर ने छपवा दिया है और उसके बाद चल रहा है पूरा एकदम मजे। कुछ लोग पॉलिटी को लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत का हूबहू एक एक लाइन उठा के छाप दिया है, सर लिखवा दिया एकदम, एक लक्ष्मीकांत था दूसरा लक्ष्मीकांत आपके कॉपी में हो गया। अच्छा, रिवीजन करने जा रहा करें, क्या रिवीजन करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। प्लीज़ दिमाग में रखिएगा
ये जो फैक्ट है ये आपको नहीं मिलेगा ना समझ में आएगा, इतना कोर तथ्य ये बुक में भी नहीं मिलेगा। आप लक्ष्मी गंगा इसको जाके खोजेंगे वहाँ नहीं मिलेगा आपको। एज इट इज सिर्फ नॉर्मल उसमें लिख देगा रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ मैन, बाकी उसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। और लक्ष्मी कुछ नहीं, समरी है वो एमपी जैन का। तो एमपी जैन इज ए बिग बुक और एमपी जैन लॉ के लिए आता है बुक, उसका समरी है और कुछ नहीं। तो इसलिए पहले ना खरीदिएगा। तो पहले हमने दो चीज बता दिया कि इंडिया आखिर किसको पावर ज्यादा दिया, लॉ को कि मैन को? जोर से बोला प्लीज। अब उसके बाद यहां से जो चीजें चलेंगी वो थोड़ा डिफरेंट चलेंगी। अब समझना, हमने पावर चार पॉइंट दे दिया। अब सीधा आप पेज नंबर एक बार ओपन करो, कौन सा आगे मैं बता देता हूं। 6 कुछ, अब पेज नंबर 7 आगे 7 पे, वहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है टॉप पे, देखो क्या है। Why Constitution is supreme? और दूसरा क्वेश्चन है Why India following? यहाँ Constitution से हमारा मीनिंग सिर्फ लॉ से है। अभी समझना, अभी मैं तीनों को बताऊंगा, तीनों टर्म को। पहला पॉइंट देखो क्या है, पास्ट दिख रहा है, हिंदी में भी लिखा हुआ है वहां, हमारा इतिहास। आगे बढ़ो, नेक्स्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटिश, तो नीचे क्या लिखा हुआ पढ़ो, क्योंकि अंग्रेज ने हमें इतना सताया था कि हम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते थे। अच्छा, इसको नोट्स को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? सर इतना तोड़ का ऑलरेडी लिखा हुआ है, नीचे आओ। उसके बाद दूसरा इनवॉलेंट्री फेडरलिज्म, मतलब होता है अनिच्छुक संघवाद, क्योंकि राज्य हमसे इच्छा से जुड़े थे कि अनिच्छा से? अनिच्छा से। दूसरा, अब उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए वहां, क्योंकि राज्य अपने मर्जी से नहीं जुड़े थे इसलिए हमें डर था कि वो कभी भी अलग हो सकते हैं, तो हमने पावर किसको दे दिया, लॉ को। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 क्या है जरा देखिए, डाइवर्सिटी है, विविधता। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, लिटरेसी रेट। उस समय का जो सोशल फैक्टर था क्या था, मेल देखो कितना है 16% और फीमेल 9%, मतलब पूरा ओवरऑल आबादी क्या, अनपढ़। तो जब इस तरह का सिचुएशन हो तो इस सिचुएशन में हम आदमी को पावर कहां से दे देंगे, हम तो पावर किसको देंगे, लॉ को। अच्छा, भीमराव अम्बेडकर और सब लोग सोचो कितना फ्यूचरिस्टिक थे। सर थैंक्स टू, हमें बहुत लकी हम लोग कि सर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हमें मिला जो बहुत आगे तक सोच पाता था चीज़ों को, कि कितना, देखो कोई भी आदमी आगे तक सोच सकता है अगर उसके पास नॉलेज हो तो। चाणक्य के स्टेटमेंट जितना सही पहले था उतना ही सही आज भी है, चाणक्य ने बोला था जो आज भी उतना ही सटीक है जितना पहले था, ऐसे कैसे हो जाता है। भीमराव अम्बेडकर सोच, अच्छा संविधान 1948-1950 जो भी उस समय बना गया, आज 2022 चल रहा है, आगे आने वाले समय तक भी सर एकदम ठीक ठाक जा रहा है, ये कैसे हो पा रहा है नॉलेज लेकर। सर बहुत लकी है हम लोग, ईमानदारी से मानिएगा आप। उन्होंने जानते थे भीमराव अम्बेडकर की सर लोग ऐसे हैं कि अगर हम किसी भी एक आदमी को पावर दिए तो लोग को बर्बाद कर देगा। उनको पता था कि अगर हम लॉ नहीं बनाए तो जो भी फिर सरकार में आएगा वो बर्बाद करेगा। तो सर उन्होंने लॉ बना के सबको रिस्ट्रिक्ट कर दिया और कुछ पावर आम आदमी गरीब आदमी सबके हाथ में भी रखा के बेटा 5 साल ही टेन्योर क्यों दिया गया। सवाल कभी कभी सोचने का तो ये भी है कि 5 साल क्यों दिया गया कि 5 साल बाद इलेक्शन बदल जाएगा, ये भी तो बोला जा सकता था कि 12 साल बाद बदलेगा 5 साल। बहुत सारे रीजन है, हाँ है ना, क्यों नहीं बोलेगा कि हर साल साल बदलेगा, हर साल बदलेगा तो खाली बदलते रहेगा, डेवलपमेंट कब होगा, खाली इलेक्शन में बीत जाएगा। अच्छा सरकार आई पता चला दूसरा तब तक इलेक्शन आ गया, आप सोचो ना। लेकिन इन सबको बैलेंस करना, आप नॉर्मल एक बात सोचो, फैक्ट अलग है, आप सोचो कि किस उस आदमी के पास कितना नॉलेज है जो आदमी भीमराव अम्बेडकर से 4 साल का डिग्री 2 साल में लेके निकल गए, इतना जबरदस्त इंसान, 21-21 घंटा पढ़ने का रिकॉर्ड, कुछ नहीं सर कपड़ा धोना नहाना बाथरूम सब सर खत्म। अगर इतने मेहनती के बाद मात्र 3 घंटा में वो सारा काम निकालते तो 21 आवर्स का रिकॉर्ड है उनका। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग का अगर फ्यूचरिस्टिक ऐसा नहीं होता ना तो आज हम भी फिर किसी रूल ऑफ मैन के शिकार होते और अंग्रेज नहीं तो कोई और सही शायद हमारे ही अपने लोग ऐसे होते जो हमको गुलाम बनाए होते। अरे वही जमींदार लोग तो फिर ऊपर आके बैठ जाता। और आपको अभी जस्ट पढ़ाऊंगा पॉलिटी में, उसके बाद क्या जबरदस्त तरीके से लैंड रिफॉर्म्स किए गए हैं कि जिस तरह से जमीन सबको देने के लिए इतने दांवपेच किए गए हैं और इतने अच्छे ढंग से, ये दिखाता है कि हमारा सर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है बड़े जबरदस्त लेवल का नॉलेज रखता है। नहीं तो पता चलता कि यार मतलब गुलाम तो थे ही अपन,
एक जंजीर से निकले और उसके बाद ऐसे जंजीर में फंसे कि जीवन भर कभी निकलते नहीं। तो मैंने क्या बोला, क्या अभी तक मैंने बोला कि इंसान और इंडिया की बात करें तो लॉ ज्यादा ग्रेटर है कि पीपल? क्या इसमें किसी को शक है? नो सर। तो लॉ इज ग्रेटर देन पीपल, और कारण भी याद है। ये चारों पॉइंट जरा नीचे देखो पेज नंबर 7 पे, एक कॉन्क्लूजन करके मैंने कुछ लिखा होगा। क्या लिखा है? इसलिए उस समय डोंट, क्या लिखा है? डोंट ट्रस्ट पीपल, दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ इज ग्रेटर देन पीपल। सर हम लोगों पे भरोसा कैसे करते हैं? अब उसके मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हों, देखो व्हाई रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर दूसरा है व्हाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, व्हाई इंडिपेंडेंट मोनार्की, या सब कुछ ये सॉरी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होगा, ये जितना सारा कुछ है इन सब का आंसर यही चार है, इन सब का आंसर ये चार पॉइंट है। और मेंस में बार बार घुमा फिरा के इधर उधर से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इन सब का गोल गोल घुमा के चार है। इसलिए मैंने बोला आज फर्स्ट लेक्चर है पॉलिटी का और मेरा लास्ट लेक्चर पॉलिटी का, देखना वहां तक भी ये चारों पॉइंट डिस्कशन होता रहेगा, इसीलिए प्लीज ध्यान से समझिएगा। इसलिए इतना कनेक्ट होकर एक एक चीज को पढ़ाने में, अच्छा एक बात बताओ, इसी चीज को भी सिर्फ मैं लिखवाता, अभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि सर इतना अभी हो पाता नहीं हो पाता, अभी क्लास खत्म ही हो गया रहता। इसीलिए कुछ मैंने बोला कि कुछ मेरे पास है जो और भी टीचर्स मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल हैं, इसमें कोई शंकाएं नहीं, हम तो कुछ नहीं है, लेकिन फर्क कुछ टेक्निक का है। वो टेक्निक ये है सिंपल कि एज इट इज कुछ चीज़ों को आसान के, क्योंकि आईएएस का सिलेबस इतना है, आईएएस का प्रैक्टिकली सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप एक साल में कवर नहीं कर सकते। ये बात सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लोग तो कर रहे हैं ना सर, और आपके और हमारे जैसे लोग तो निकाल रहे हैं, तो उन्होंने रास्ता निकाला कि प्रॉब्लम देखा। और आप जैसे लोगों को ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप लोग तो खैर यहाँ आके उस बात को समझ गए हैं, बस ये एग्ज़ाम का एक ही डिमांड है, एक साल चुपचाप बर्दाश्त कर लेना है, कैसे भी इस क्लास को एक साल बर्दाश्त कर लेना है, नहीं तो आधे से ज्यादा गांव के लोग तो आपको बोल के ही मारने वाले हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम ना बस ऐसा ही वगैरह देख लो, ठीक है तुम्हारा औकात वही तक है, इससे ज्यादा का सोचो मत, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सर आपके भी घर में हो। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आईएएस का सिलेबस जितना टफ है जितना लोग सोचते हैं उतना एक्चुअली नहीं है, जितना टफ इस बात को मान चुके हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। 80% लोग तो इस बात को पहले ही मान चुके हैं कि हम आईएएस की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि घर में पैसा नहीं है कमाने के लिए, नहीं ये हो। अरे ऐसे ही लोग आईएएस बनते हैं जिसके घर में कुछ नहीं था, बड़े बड़े लोग आईएएस नहीं बनते भैया। अब बड़े बड़े लोगों को क्या कमी है, जिसका इंडस्ट्री है, जिसका लाखों करोड़ों का टर्नओवर, उसको क्या जरूरत है आईएएस करने का? वो लोग भी करते हैं, लेकिन सर वो जनरली नहीं करते, करते तो हम, क्योंकि हम जानते हैं हम गरीबी से जुड़े हैं और हमको इस बात को समझ में आता है कि कोई और गरीबी से ना जुड़े, इसलिए तो बिहार के ज़्यादा सब देख रहे हैं एकदम हमेशा सर भीड़ लगा रहता है आईएएस में एकदम सर, और जितने सारे स्टेट है बिहारी से कंपेयर करते हैं, बिहार और यूपी से, और सबका लड़ाई बिहार यूपी से होता है, क्योंकि यहाँ के लोग इतने गरीब हैं। और लेकिन गरीबी के साथ एक चीज़ है मेहनत, जी तोड़ मेहनत, दूसरा हमारे पास कुछ है नहीं। सुन पा रहे हैं? तो प्लीज़ गांव के और बातों के चक्कर में नहीं है कि आपका औकात एसआई तक है और रेलवे तक है, एक बात जो बोले उसको बोलना जी मालिक, और बोल के चुपचाप तैयारी करते रहना, ट्रस्ट मी एक साल रुक जाना, आपको खुद एहसास होगा गजब का कि क्या चेंज हो रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आना, मैंने अभी तक जो बढ़ाया है उसमें क्या कितना थीम में कवर करेंगे बोलते जाओ, 9 थीम, कितने टर्म थे, पॉलिटी लीगल सिस्टम, दूसरा पॉलिटिकल साइंस नॉलेज ऑफ पॉलिटी और लीगल सिस्टम, तीसरा गवर्नेंस, बोलते जाओ क्या सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। अब उसके बाद आगे आए, हमने देखा ओरिजिन ऑफ लॉ कैसे हुआ, लॉ हमारे स्पीड ब्रेकर की तरह कैसे काम करता है, क्योंकि लॉ अगर नहीं रहेगा तो कोई भी आदमी खुलम कुछ भी कर सकता है, दूसरा लॉ रिस्ट्रिक्ट करता है। उसके बाद हमने देखा कि लॉ अगर ज्यादा पावरफुल होगा कि मैन ज्यादा पावरफुल होगा, तो इंडिया में कौन ज्यादा पावरफुल है, लॉ, तो लॉ को हमने ग्रेटर देन पीपल माना, उसके पीछे कारण क्या, क्लियर है यहां तक? जोर से बोलो यस सर। अब नेक्स्ट आगे आना, और यहां से तीन और टर्म है उसको समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब पेपर 4 पे आइए क्विक, हाँ पेज नंबर 4, क्या भूल गए क्या 4? हम लोग 3 पे थे ना, ठीक है, हम अभी 7 पे आपको बोले थे उसके बाद, चलिए तो पेज नंबर आपको आना है किस पे, 4 पे, कोई तकलीफ नहीं आता। अब पेज नंबर 4 पे आएंगे तो कुछ चीजें शब्द लिखी हैं, उस शब्द का एक बार सिर्फ 2 मिनट, आप 2 मिनट भी नहीं 50 सेकेंड, सिर्फ ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे का छोड़ के जो पढ़ाया हूं क्विक जल्दी से रीड मारिए, क्विक एकदम तेजी से स्कैन मारिए पेज नंबर 4 पे, जहां पे पॉइंट 1 लिखा है उसके पहले तक,
हो गया, आप जरा नीचे आइए। वहाँ पे मैंने जो चीज़ लिखा है उस पर दिमाग में रखिएगा, मैंने क्या बोला, डीएम डीएम इसलिए नहीं है क्योंकि वो डीएम है, डीएम डीएम इसलिए क्योंकि उसको पावर दिया हुआ है, और पावर किसने दिया, लॉ ने। अगर वो पावर अगर छीन लिया जाए तो डीएम भी आम इंसान है, समझ पा रहे हैं ना, तो डीएम भी आम इंसान है, उसके साथ आप आराम से क्रिकेट खेल सकते हैं जब तक उसके पास पावर नहीं है तब तक। और पावर छीनेगा कौन, लॉ ही तो छीनेगा, लॉ ने उसको पावर दिया तो डीएम बन गया, लॉ ने पावर छीन लिया तो बस आम इंसान बन गया। अब जरा वहां पे तीन टर्म है, इस तीन टर्म को बड़े बारीकी से समझेंगे। पहला टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्या है, संविधानवाद। अच्छा, जब भी कभी वाद लगा रहे तो उसका मीनिंग पहले समझिएगा, क्या है, संविधानवाद। तो ये तीन टर्म है, पहला है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, हिंदी में भी लिखा हुआ है ना, चलो तब ठीक है। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, हिंदी में है संविधानवाद। दूसरा टर्म बताइए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और तीसरा होगा कॉन्स्टिट्यूशन। इधर देखना एक बार, एक ही बार में पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा, बिल्कुल लोड नहीं लेना और मजा आएगा आपको। इधर इधर पहला है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब संविधानवाद। जब भी लास्ट में वाद आए तो याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज एन आइडिया, यह एक आइडिया है टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पहले किसी के दिमाग में तो आया होगा ना कि सर कुछ ऐसा होना चाहिए लॉ जिससे क्या करे, उससे सिस्टम क्या चले, ठीक चले। तो पहले एक आइडिया आया, जैसे एक कहावत है और एक इंपॉर्टेंट बहुत कहावत भी है, क्या, कि सर अगर आप घर बनाने का जब सोचते हैं तो पहले आपके क्या है, दिमाग में चलता है, दिमाग से उसको आप रफ पेज कॉपी पर ड्रॉ करते हैं, तब जाके रियल लाइफ में उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो सेम संविधान आया होगा, उसके पहले किसी के दिमाग में थॉट तो आया होगा कि सर वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब हमारे पास कुछ एक आइडिया, कुछ एक ऐसा कानून होना चाहिए जिससे कि एक सिस्टम को स्मूथली चलाया जा सके। इधर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज नथिंग, इट्स एन आइडिया टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन। एक आइडिया आया कि हमारे पास भी ऐसा संविधान या कानून होना चाहिए। उनके पास ये आइडिया नहीं है कि वो कानून संविधान ही होना चाहिए, जरूरी थोड़ी है कि आपको आइडिया या कि संविधान, उनको तो भी नहीं पता कि संविधान क्या होता है। हमें जरूरत ये पड़ी कि हाँ कुछ ऐसा तो होना चाहिए जिससे कि सब एक दूसरे से क्या हो, इंटरकनेक्टेड हो, और कोई भी अपनी मन मर्जी का, अरे है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज नथिंग बट इट्स एन आइडिया टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन और टू हैव द लॉ। हमारे पास एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि ये काम चले। दूसरा पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब सर यहां से चीजें बदल जाएंगी, आपने जो सोचा आइडिया वो तो ठीक है, लेकिन क्या लॉ एक ही हो सकता है या लॉ बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, डिफरेंट फील्ड में हो सकते हैं, हर जगह। मर्डर किया तो अलग, डिवोर्स हुआ तो अलग नियम है, मतलब थप्पड़ मारा तो अलग है, हाँ झोटा नोचा अलग है, तो मतलब एवरीथिंग इज अ डिफरेंट। तो लॉ क्या है, बहुत अलग हो गया। अच्छा, लॉ जब अलग हो गया तो दो बातें का ख्याल रखना है। पहला, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, इसको कुछ एक 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 वहां पे डायग्राम बनाया होगा, उस डायग्राम को प्यार से जरा समझ लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक यहां देख लेना। पहले ये मान लो हमने एक बड़ा सा बनाया, अब लॉ हमने बहुत सारे बना दिए कि सर ये भी लॉ है, ये भी लॉ, ये भी लॉ, ट्रांसपोर्ट का लॉ, कॉमर्स का लॉ, इकोनॉमिक्स का लॉ, जीएसटी, ये वो फलना ढिकाना, ठीक। इधर इतने सारे कानून अलग 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 है सब, अब हमने क्या किया, उन सारे कानून को एक जगह पे रखने की कोशिश करी हमने कि सर ये बार बार हर चीज पे हर जगह खोजेंगे तो कहीं ना मिले, तो हमने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। सुना ध्यान से, तो ये एक बनाया हमने क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो ए लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, वो भी एक क्या है, लॉ है, लेकिन वो ऐसा लॉ है जो सबसे सुपीरियर है, जिसके अंदर ही और सारे लॉ है। अब जैसे क्या हुआ, ये मैंने बोला ये पूरा क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर मान लो L1 L2 कुछ लॉ ऐसे हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हो गए, कुछ लॉ स्पोर्ट्स से हो गए, कुछ फील्ड से, कुछ मर्डर से, समथिंग, तो वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो गए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो सब लॉ में सबसे सुप्रीम है, इसलिए क्या कहा जाता है, संविधान ही सर्वस्व है और संविधान को कभी भी ब्रेक नहीं किया जा सकता। बट संविधान है क्या, अब कुछ लोग कहते हैं वो किताब है जिसमें लाके कसम खाया जाता है, इंडिया में तो भगवत गीता पे होता है, और सर कमाल की बात है अमेरिका में जाओगे तो क्रिश्चियनिटी पे,
इंडिया में भगवत गीता पे मैं गीता की कसम खाता हूँ। अच्छा मन में बोलता ये वाला गीता नहीं, कोई और गीता और कसम खा के झूठ बोल लेगा। आप सोचो अगर भगवत गीता कसम खा के कोई सच्ची बोला रहता तो इतना न्यायालय और इतना जो गलत स्टेटमेंट हुआ है क्यों होता? तो सर उससे बढ़िया तो एक ही बात बोलते, अपना मम्मी कसम खाओ बात खत्म जो बोलोगे सही बोलोगे, नहीं तो मम्मी साइड में रखो इधर साइड में। वो ज़्यादा लॉजिक अच्छा। ये भगवत गीता आपने रख लिया और सर यही लोग जो करते हैं इतना सारा इतना गलत डिसीजन, बताइए सारे कांड सारे कुछ हो जाते हैं और भगवत गीता पे खा के और झूठ बोल देते हैं, है ना? उससे बढ़िया क्या है, मम्मी को सामने बुलाइए, पापा को सामने रखिए और बोलिए अगर देखिए कसम खाए मम्मी का मर जाएगी अभी